हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे व्हाट्सएप करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ जो भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं, क्विजेज हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, वह इतिहासकार जिसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था, तो किसने ये कहा था? तो पिगट ने, जो कि हमारे भारतीय इतिहासकार नहीं है, ये अंग्रेज हैं ये। तो इन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़े साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ हैं। आगे बात करेंगे, ऋग्वेद में उल्लिखित वह देवता जिसकी स्तुति में सबसे ज़्यादा श्लोक हैं, तो लगभग 250 श्लोक, लगभग क्या, एग्जैक्ट 250 श्लोक हैं इंद्र के, भगवान इंद्र के लिए। और इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर पूछा जाए तो अग्नि देवता के लिए 200 यहाँ पर श्लोक लिखे गए हैं। अग्नि देवता के लिए 200 हैं, इंद्र के लिए 250 हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, श्लोकों को वेदों में ऋचाएँ कहा जाता है, तो ऋचा जो होती है उसको श्लोक कहा जाता है। आगे बात करेंगे, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका नाम था, इनका नाम था कुजुल कटफिसिस। और कुषाण वंश का जो सबसे फेमस राजा था वो कौन था? तो वो कनिष्क था। नेक्स्ट है यहाँ पर, वह विदेशी आक्रांता जिसने उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी और फारूखी जैसे विद्वान जिसके साथ भारत आए थे, वो कौन था? तो वो था महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के साथ इतने सारे जो हैं, जो विद्वान थे, वो भारत आए थे। इसमें से अलबरूनी जो था यहीं पे रह गया था काफ़ी टाइम तक, और इसने बहुत अच्छी एक विस्तृत पुस्तक भी लिखी है भारत के ऊपर, जिसका नाम है किताबुल हिंद। आगे बात करेंगे, किताबुल हिंद का एक नाम तहकीक हिंद भी है। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? तो इनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी, या फिर लालन पालन करने वाली भी यही व्यक्ति थी, यही स्त्री थी प्रजापति गौतमी। वह विद्वान जिसने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की थी, तो इस तरह की पुस्तकें काफ़ी पूछ ली जाती हैं, तो इनका नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये UPPCS और RO/ARO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था, किस वर्ष हराया था? तो इसमें अरेंज करने को आ जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो कार्य वगैरह होते हैं उनके ईयर दे दिए गए रहते हैं, तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। नेक्स्ट है, शिवाजी के जो अस्त्र प्रधान थे उसमें से जो सर ए नौबत होता था उसका क्या अर्थ होता था? तो उसका अर्थ होता था सेनापति। इसके अलावा जो सबसे मेन होता था, जो प्रधानमंत्री आज के टाइम पे कहा जा सकता है, वो होता था पेशवा। तो पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री होता था अस्त्र प्रधानों में, और सेनापति जो है ये सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। अस्त्र प्रधान जो होते थे उनकी बात केवल मंत्रणा करने के लिए उनको रखा गया था, जो फैसला होता था वो छत्रपति ही लेते थे। सूफी संतों के निवास स्थल को क्या कहते हैं? तो उनको खानकाह कहा जाता है, सूफी संतों के निवास स्थल को। कर्मयोगी, वंदे मातरम, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये जो पुस्तकें हैं, ये पत्रिकाएं हैं, इनका संपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने किया था इनका संपादन। इनमें से जो कर्मयोगी है, वंदे मातरम है, द लाइफ डिवाइन, ये काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में या मैचिंग में आती हैं। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन 1928 में हुआ था, ये किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इसका गठन किया था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन। नेक्स्ट है, पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, तो ये घटना पूछी जाती है कौन सी डेट को हुई थी? तो 8 अप्रैल 1929 को ये घटना हुई थी। और इस बम फेंकने का मतलब किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, सिर्फ अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाना था, कि एकदम जगाने के लिए, अंग्रेजों को जगाने के लिए, कि हमारी भी बातें सुनी जाए, इसलिए ये बम फेंका गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट है, बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट नामक चित्रकला की आधुनिक शैली प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है, ये स्कूल स्टार्ट करने का, ये शैली स्टार्ट करने का श्रेय दिया जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर को। मगध राजवंश के किस राजा का उपनाम कुड़िक था? तो कुड़िक किसे कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है, डायमेकस को कहाँ के शासक ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था? मतलब डायमेकस एक राजदूत था, वो बिंदुसार के दरबार में आया था, उसको भेजा किसने था? तो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने उसको भेजा था। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। और किसके कहने पर आया था, किसके, किसका ये राजदूत था? तो सीरिया के राजा का, एंटियोकस प्रथम का ये राजदूत था।
चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। चंदेल वंश जो खजुराहो के मंदिर बने हैं मध्य प्रदेश में, उनको बनवाने वाले शासक सभी चंदेल वंश के ही शासक थे। काफ़ी फेमस मंदिरों का स्ट्रक्चर मिलता है और इसमें से भी चंदेल वंश में धंग देव जो थे वो काफ़ी फेमस थे, उन्होंने काफ़ी मंदिर वगैरह बनवाए थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश के शासक थे? तो ये पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांची थी। नेक्स्ट है यहाँ पर, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण कराया था और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किस नेक्स्ट है यहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। और ये जो धर्मपाल हैं ये पाल वंश से संबंधित हैं। पाल वंश की स्थापना जो संस्थापक थे वो गोपाल थे, तो धर्मपाल जो हैं पाल वंश से संबंधित हैं, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। किस राष्ट्रकूट शासक के समय में अरब यात्री, पूछा जा सकता है अल मसूदी कहाँ का यात्री था? तो अरब का यात्री था। ये भारत आया था किसके शासनकाल में, किस राष्ट्रकूट शासक के? तो इंद्र तृतीय के टाइम पे ये भारत आया था अल मसूदी। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने, ये राष्ट्रकूट शासक था, इसने एलोरा के मंदिर जो कि कैलाश मंदिर काफ़ी फेमस है एलोरा का, उसका निर्माण करवाया था। एलोरा की गुफाएं में महाराष्ट्र से प्राप्त होती हैं। किस चोल शासक ने उत्तरी श्रीलंका और मालदीव पर अधिकार कर लिया था? तो चोल शासक कौन था? ये राजराज प्रथम था। इन्होंने उत्तरी श्रीलंका और मालदीव पर अधिकार किया था। बाद में जब राजेंद्र चोल बना शासक तो उसने काफ़ी पूरे श्रीलंका को ही कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। और बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। उनके बेटे का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। यहाँ पे बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक हैं, बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाग दशक था हर्यक वंश का अंतिम शासक। हर्यक वंश के बाद किस वंश की शुरुआत होती है? तो नंद वंश आता है। हर्यक वंश के बाद नंद वंश, उसके बाद आता है फिर मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो शुंग वंश आता है। ये नंद वंश का पतन करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना मौर्य वंश की स्थापना की थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी हुई थी कनिष्क के टाइम पे। कहाँ पे हुई थी? तो कुंडल वन कश्मीर में ये बौद्ध संगीति चौथी वाली हुई थी। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत कब आया था? तो 630 से लेके 644 ईस्वी के बीच, मतलब सातवीं शताब्दी कहा जा सकता है इसे। जो 600 वाला टाइम होता है 700 तक, इसको सातवीं शताब्दी कहा जाता है। तो उस टाइम पे ही आया था भारत, ह्वेन सांग। हर्षवर्धन का टाइम उस टाइम पे चल रहा था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा बना था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कौन से चंद्रगुप्त को? कई सारे चंद्रगुप्त हिस्ट्री में हुए हैं, तो द्वितीय वाले को विक्रमादित्य कहा जाता है। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, श्वेतांबर और दिगंबर जैन वंश के दो संप्रदाय हैं। श्वेतांबर वो लोग होते थे जो यहीं पे रुक गए थे जब एक बार अकाल पड़ा था मगध में, तो जो भद्रबाहु थे वो सबको लेके दक्षिण भारत चले गए, वो कहलाए थे दिगंबर। और जो यहीं रह गए थे स्थूल भद्र के नेतृत्व में, वो कहलाए थे श्वेतांबर। तो जो श्वेतांबर होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जो दिगंबर होते हैं वो एकदम कट्टरवादी होते हैं, कट्टर या एकदम जैन धर्म का पालन करते हैं। आगे बात करेंगे, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पुरापाषाण काल में हुआ था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ यारो या फिर वीडियो का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।